आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि ताजी ब्याई हुई गाय का दूध कैसे बढ़ाएं। एक मान बाप ने जो है गाय खरीद ली थी और वो 2 लीटर सुबह देती थी, 2 लीटर शाम को देती थी, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो डेयरी खोलने का सपना लेके चले थे, पर उनका सपना सब चूर चूर हो गया और वो डेयरी बंद करने। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप बाईपास फैट दीजिए और उसको बेला मिल का इंजेक्शन रोज लगाइए 8-10 दिन, जब तक उसका दूध नहीं बढ़ जाता है। और साथ साथ उसको वाइमरॉल आता है, वाइटामिन AD3 होता है उसमें, वो जो है या तो उसका इंजेक्शन भी आता है आप लगा दीजिए एक बार, या 10 ml रोज जो है 10-12 ml 30 ml की शीशी आती है, 1 शीशी ले लिए, 10 ml रोज 3 बार दीजिए उसको। रोज रोज नहीं देना होता है उसको, 15 दिन बाद फिर 3 बार दे दीजिए। इसके साथ साथ प्रगमा आता है, तो गाय जैसे आपकी ब्याह गई उसके 8-10 दिन अगर उसने जर्नी कराई है तो पहले उसमें प्रगमा लगाइए और 8-10 दिन फिर प्रगमा लगाइए, 8-10 दिन फिर प्रगमा लगाइए। मैस्टाइटिस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बेला मिल आता है बी ट्वेल्व का इंजेक्शन और ये वाइटामिन AD3 आप देते दे दे और उसे डिवर्म करिए, लिवामिसॉल से डिवर्म कर दीजिए। लिवामिसॉल या फेमेंडाजॉल होता है पेनाकोल, से हर महीने उसको आप डिवर्म करिए। तो इन सब बातों को आप करेंगे तो वो जो मान बाप थे जिनकी 2 लीटर दूध दे रही थी, अब वो 5 लीटर दे रही है। एक वक्त में 4 लीटर हो रहा था, तो वो 250 रुपये का खा जाती है रोज, तो 250 रुपये उसके हो रहे थे, अब उनको क्या है कि 250 के 500 हो रहे हैं। तो आप पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 1 लाख में 3 गाय ले आइए ब्याई हुई, उसकी अच्छिया बछिया का ज़्यादा मोह मत करिए, बछड़ा हो तो भी ठीक है, वो सब बछड़े के चक्कर में मत पड़िए कि साहब उसे 2 लीटर दूध पिलाएंगे रोज। उसको जो है आप काफ़ी स्टार्टर पर रख दीजिए, या मतलब थोड़ा सा आटा और बेसन का आटा मिला के उसमें दूध डाल के उसे पिला दीजिए, जब वो 1 किलो खाने लगे तो फिर उसको उसका जो है दूध वूध बंद कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। उसका कोई मोह मत करिए, पहले अपने पैसे वसूल करिए। अगर आपकी गाय इस मौसम में बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है अगर 10-15 लीटर दूध दे देती है तो खुश रहिए, उसका सपना मत देखिए कि साहब 40 लीटर दे रही है या 30 लीटर दे रही है, 15 लीटर में खुश रहिए। 15 लीटर की गाय पे कोई असर नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा जितना के 40 लीटर की गाय पे। उसका 40 लीटर की गाय का सपना देखना है आपको तो आप उसमें जाड़े के मौसम अक्टूबर के बाद नॉर्दर्न इंडिया में तो नहीं होता, पर नॉर्दर्न इंडिया में आप उनको रख सकते हैं। तो पहले आप छोटा तजुर्बा करिए, यही मेरा संदेश है आपको। मेरी यहाँ देहरादून में एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है और मैं जो हूँ एम्ब्रो ट्रांसफर का ही सिखाता हूँ, उसी में हर विद्या आती है, ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट डिजीज कंट्रोल। तो आप कभी भी आ सकते हैं और आप उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 7979848332 पर संपर्क करिए और दूसरा नंबर है 9322582278, इसमें हर्षित जी हैं नासिक से हैं, तो आप जो है इन दोनों को संपर्क करिए। हमारी सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, आप कभी भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686।